जो मलबे को लेबल भी करती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, तमाम दोस्तों को मेरा सलाम अर्ज़ हो और दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात से कि आप लोग साथ खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आपको अपडेट देने के लिए गुजरनाला एहसन कॉलोनी के मेन पॉइंट पर, और यहाँ क्या क्या वर्किंग हुई है और क्या वर्क काम बाकी है और क्या हो रहा है, ये तमाम तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरे साथ रहिएगा। आज 8 जुलाई सन 2021 और जुमेरात का दिन है। इस वक्त 11 जो हैं एक 3 मंजिला बिल्डिंग को डिमोलिश कर रहे हैं और ये मस्जिद के बिल्कुल बराबर में है, और इसको 2 दिन से इसके जो बीम वगैरह हैं उन्हें काटा गया है कटर से और वेल्डिंग के ज़रिए। अब इसको जो है डिमोलिश किया जा रहा है। लैंड डिपार्टमेंट के तमाम अफसरान इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं, और ये यारों खान जो है इसकी बिल्डिंग के फाउंडेशनों को कमज़ोर कर रहे हैं, उन्हें तोड़ रहे हैं, और ये वैसे भी इस वक्त ये पंजा मार रहे हैं तो बिल्डिंग हिलजुल रही है, तो किसी भी टाइम जो है ये बिल्डिंग नीचे आ सकती है, बिल्कुल नीचे आ सकती है, क्योंकि इस वक्त ये मैं देख रहा हूँ कि बिल्डिंग झोल ले रही है। और ये यारों खान है, अब ये देखना ये है कि किस टेक्निक के अंदाज़ से ये बिल्कुल नीचे गिराते हैं या साइड में। दोनों तरफ के रास्ते बंद किए हुए हैं, ये अफसरान जो है हिदायतें देते हुए, तो ये किसी भी टाइम जो है ये देखें, मैंने आपको कहा था ना ये बिल्डिंग किसी भी टाइम नीचे गिर सकती है। और इस वक्त जो है मिट्टी का एक गर्द गुबार का तूफान है, और ये तमाम अफसरान आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ये यारों खान है जी, यारों खान है ये यारों खान जिन्होंने इस बिल्डिंग को नीचे डिमोलिश किया है। और ये है यारों खान जिन्होंने इस बिल्डिंग को डिमोलिश किया है और इस वक्त ये बैठे हैं। ये सामने FWO वालों की मशीन लगी हुई है जो नाले की सफाई कर रही है। जैसा मैंने आपके सामने ज़िक्र किया था कि FWO वाले भी पॉइंटों पर आ चुके हैं, उनकी मशीनें भी, और नालों की सफाई का काम भी तेज़ी के साथ जारी है। मलबे को बराबर करने के लिए और मलबे को, फालतू मलबे को हटाने के लिए ये मशीन खड़ी हुई है, बिल्डोज़र जो मलबे को लेबल भी करती है, और जो फालतू है उसे डंपर में डाल के मलबा यहाँ से रवाना कर दिया जाता है। सामने एक और मशीन है सामने एक और मस्जिद है, और इसके साथ ही मशीन भी खड़ी हुई है, लेकिन मस्जिद के ऊपर की जो दीवार है उसको शहीद किया जा रहा है, क्योंकि ये नाले के ऊपर मौजूद थी, और लेबर जो है वो हाथ से ये काम कर रही है। ये डंपर भी आपको KMC के नज़र आ रहे हैं जो मलबा उठा के लेके जाते हैं यहाँ से फालतू। ये FWO की मशीन है जो नाले की सफाई का काम अंजाम दे रही है। इसको शहीद किया जा रहा है और लेबर हाथों से इस पर वर्किंग कर रही है, तो ये काम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है।
सारा जो आप मलबा देख रहे हैं ये कचरा है जो सूख के मलबे की शक्ल इख्तियार कर चुका है और ये सब नाली की सफाई के दौरान निकाला गया है। ये सब मकानात तोड़े गए हैं जो नाले पर मौजूद थे और आज के दिन ये कार्रवाई हुई है। मलबा भी मौजूद है, इस मलबे को जो है जितना यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा वो यूज़ में लाया जाएगा, उसके बाद जो मलबा बचेगा उसको गाड़ी जो है डंपर में ले जाए, यहाँ से ले जाया जाता है शहर से बाहर। ये देखिए कितने लोगों के जो है मकान आधे कट चुके हैं, आधे बाकी रह गए हैं। जो बिल्डिंग यारों खान ने गिराई थी उसको कटर मशीन जो है उसके जो बड़े बड़े पीस हैं उनको पीसों में करके ख़त्म कर रही है और मलबा यहाँ से सब साफ होता जा रहा है। अभी कुछ हिस्सा इसका मौजूद है। अब रोड भी खोल दिया गया है क्योंकि जब ये बिल्डिंग गिराई जा रही थी मस्जिद ये 3 मंजिला थी, आधा हिस्सा इसका गया है। तो जब इसको गिराया जा रहा था तो इसको जो है रोडों को बंद कर दिया गया था ताकि कि कोई खुदा ना खासा कोई हादसा रोनुमा ना हो, इसलिए सारे दोनों तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए थे। अब खोल दिए गए हैं, पब्लिक आ रही है जा रही है। आज कराची में मौसम अच्छा है, सुबह से बादल हैं, हवा भी तेज़ चल रही है। और इस तरह जो है ये बिल्डिंग नीचे डिमोलिश की गई और इस वक्त जो है एक और मशीन जो है इसके कटर मशीन जो है वो काम कर रही है। तो व्यूअर्स मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।